अस्सलाम वालेकुम। तो टुडे द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ बेसिकली द बफरिंग एक्शन, और हम इसको थ्रू अ ग्राफ इलस्ट्रेट करेंगे कि बफरिंग एक्शन का कैसे एक्शन होता है ऑन अ वीक एसिड एंड अ कॉन्जुगेट बेस। तो बिफोर स्टार्टिंग ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि कॉन्जुगेट बेस बेसिकली क्या होती है। तो सबसे पहले मैं वो एक्सप्लेन करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एसिटिक एसिड है और इसकी जब आयनाइजेशन होगी तो इसके अंदर से एक प्रोटॉन जो होगा वो रिलीज़ होगा और इसके साथ एसिटेट आयंस रिलीज़ होंगे। तो बेसिकली इस इक्वेशन में जब हम बात करते हैं कि हमारे पास कॉन्जुगेट बेस कौन सी है, तो ये बेसिकली एक कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे बन रही है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम किसी एक केमिकल फॉर्मूला से स्पेसिफिकली एसिड उसके अंदर से और बेस एनीथिंग उसमें से जब हम एक एच जो होगा वो रिमूव कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया, तो हमारे पास पीछे जो चीज़ रह जाएगी दैट विल बी द कॉन्जुगेट बेस। सो बेसिकली ये एक सिंपल सी एक डेफिनेशन है जिसको सिंप्लीफाई करके मैंने और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया कि जैसे ही आप किसी भी उस चीज़ में से एक प्रोटॉन को स्पेसिफिकली रिमूव कर देंगे तो आपके पास एक कॉन्जुगेट बेस आ जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास HCl है और उसके अंदर से आप H प्रोटॉन विच इज़ अ प्रोटॉन उसको आप रिलीज़ कर बाहर निकाल देंगे तो Cl नेगेटिव पीछे हमारे पास क्या है, एक कॉन्जुगेट बेस है। तो कॉन्जुगेट बेस इसी तरह से होती है कि एक चीज़ में से जब आप उसमें से हाइड्रोजन जब निकाल देंगे, एक प्रोटॉन जब आप रिलीज़ करवा देंगे, तो रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास होता है दैट इज़ बेसिकली द कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ से हमने थ्रू अ ग्राफ ये इलस्ट्रेट करना है कि बफरिंग एक्शन कैसे काम करता है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने टाइट्रेशन करनी है, और हमने क्या किया कि हमने सॉल्यूशंस लिए दो, एक लिया 0.1 मोलर सॉल्यूशन हमने NaOH का लिया और साथ में हमने 0.1 मोल सॉल्यूशन जो है एसिटिक एसिड का लिया, जो कि एक हमें पता है कि दिस इज़ अ वीक एसिड। तो ये हमने दो चीज़ें जो हैं वो स्पेसिफिकली यहाँ पे हमारे पास हैं। 0.1 मोल सॉल्यूशन हमारे पास NaOH का है और 0.1 मोल सॉल्यूशन जो है हमारे पास एसिटिक एसिड का है, जो कि एक वीक एसिड है। अब हमने क्या किया कि हमने वीक एसिड लिया और उसके अंदर हम NaOH जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप उसके अंदर ऐड करेंगे जब तक हमें ये नहीं पता चलता कि आइदर कोई कलर चेंज आ रहा है या कोई 10 ml सॉल्यूशन पूरा नहीं हो जाता, तब तक हम उसको ऐड करते रहेंगे। अब हमारे पास जो ग्राफ आता है वो ग्राफ उस सारी डिस्कशन जो होगी उस एक ग्राफ पे बेसिकली होगी कि कैसे वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो रही हैं और क्या सारी चीज़ें जो है हो रही हैं। तो बेसिकली हम अब ग्राफ स्टडी करते हैं। यहाँ पे जब हम ग्राफ बेसिकली हमारे सामने है तो हम ग्राफ से स्टडी करते हैं। ग्राफ में जब हम देखते हैं स्पेसिफिकली कि यहाँ पर जब हमने एसिटिक एसिड डाला तो वो स्टार्ट हो रहा है 2 से, तो इसका मतलब ये है कि वो एक वीक एसिड है। और ऑब्वियसली वो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आया होगा कि ये 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, वो इसलिए क्योंकि उस एसिड की कोई स्टार्टिंग पीएच होगी, ये उसकी ओरिजिनल पीएच है। तो ये एसिटिक एसिड की ओरिजिनल पीएच है जो कि 2 से थोड़ा सा अबव है, इट इज़ अबाउट 2.1 और 2.2, व्हाट आइदर वैल्यू इट इज़, ये जो है एसिटिक आयन की एसिटिक एसिड की सबसे पहली जो है वो वैल्यू है और ये 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये उसकी स्टार्टिंग पीएच है। अच्छा, तो अगर हम इसमें HCl डालते तो वो यहाँ से शुरू होता क्योंकि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है
और हमने ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था कि जब एक जब हम HCl लेंगे या हम जब एसिटिक एसिड उसके कंपैरिजन में लें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये जो है ये एक वीक एसिड है। तो इसकी pH अगर अकॉर्डिंग टू द बुक इज़ 2.1 समथिंग, तो इसकी जब हम लेंगे तो दैट विल बी 1 बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसकी pH ज़्यादा लोअर होगी और इसकी pH जो होगी वो हायर होगी कंपैरेटिवली टू दिस बिकॉज ये एक वीक एसिड है। ऑब्वियसली ये वाला जो आयंस है ये अपने आप को सारा डिसोसिएट कर लेता है, कम्प्लीटली डिसोसिएट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ये अपने आप को पार्शली डिसोसिएट करता है जिसकी वजह से इसमें जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी कंपैरेटिवली टू दिस एसिड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में यही कंपैरिजन होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड अपने आप को कम्प्लीटली डिसोसिएट कर लेता है और उसके अंदर इतने ज़्यादा एच पॉजिटिव आयंस आ जाते हैं कि उसकी pH अल्टीमेटली कम हो जाती है। लेसर द pH मोर एसिडिक, ये बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमने देखा कि जैसे जैसे हम इस सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड में जैसे जैसे हम NaOH की अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह हमारी जो pH है वो इंक्रीज हो रही है अल्टीमेटली। और सबसे ज़्यादा जो pH में राइज आया है दैट इज़ एट 1, कि 1 पर जाके सबसे ज़्यादा राइज आया है और उसके बाद हमारे पास एक फ्लैट कर्व आ गया है 4.8। इस पूरे कर्व में एक एवरेज वैल्यू है और इससे ज़्यादा इतने फेज में इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं हो रही। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि इस वाले रीजन में बफरिंग एक्शन सबसे ज़्यादा था। बफरिंग एक्शन क्या होता है कि जब भी आप उस चीज़ में एसिड डालो या फिर आप उसके अंदर बेस डालो उसको कोई भी फ़र्क ना पड़े या फिर कोई थोड़ा सा बहुत ही माइनर सा फ़र्क पड़े। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि यहाँ पे बहुत ही कम सा एक माइनर सा फ़र्क आ रहा है हमारे उसके बीच में कि यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, थोड़ा सा माइनर सी इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग हम देख रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि मैक्सिमम बफर सॉल्यूशन जो था वो 3.8 से लेके 5.8 तक था, ठीक है। यहाँ तक इस वैल्यू में बफर एक्शन सबसे बेस्ट काम कर रहा था और उसके बाद बफर एक्शन जो था वो अल्टीमेटली रिड्यूस हो गया क्योंकि pH आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेटली यहाँ से के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। और यहाँ पे भी वो बहुत ज़ोर से इंक्रीज़ कर रही थी बिकॉज इट वाज अ स्टार्ट और रिएक्शन अभी ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ था लेकिन आगे जाके वो पीक जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो गई। और यहाँ पे 4.8 जो है वो हमने एवरेज लिया कि 4.8 जो है वहाँ पे जो थी क्या एवरेज हमारे पास आ गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो उन्होंने 6th पॉइंट में हमें एक्सप्लेन की हुई है, वो कहते हैं कि जब आपने 5 ml NaOH डाला तो वहाँ पे 4.8 जो हमारा था और यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है pH इज़ इक्वल टू pKa वैल्यू। नाउ यू शुड नो कि pKa वैल्यू क्या होती है। pKa वैल्यू आप कहोगे के इज़ इक्वल टू द कॉन्जुगेट बेस और हमने ये स्टडी किया कि बेसिकली कॉन्जुगेट बेस हमने यहाँ पे स्टडी किया कि क्या होती है। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये लिखा हुआ है कि pH इज इक्वल टू pKa, तो ये आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने क्यों लिखा है। उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि इस अमाउंट पे हाफ एसिड जो है उसने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है, ठीक है। इस पॉइंट पे हाफ एसिड डिसोसिएट हो गया मतलब हाफ एसिड डिसोसिएट होके कॉन्जुगेट बेस बन गया है और हाफ एसिड जो है वो अभी अनडिसोसिएटेड है। तो जो डिसोसिएटेड है हम उसे एज कॉन्जुगेट बेस ले रहे हैं और जो डिसोसिएटेड नहीं है दैट इज़ एन अनडिसोसिएटेड एसिड।
तो दैट्स वाई पी एच इज इक्वल टू पी के ए. पी के ए जो होती है वो बेसिकली कॉन्जुगेट बेस की, वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप एज एन अमाउंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है द पी एच एच विद दिस सिचुएशन इज सीन हाफ ऑफ द वीक एसिड इज डिसोसिएटेड एंड हाफ इज अनडिसोसिएटेड इज कॉल्ड एज द पी के ए ऑफ द एसिड. तो बेसिकली उन्होंने वही बात की हुई है कि जो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है दैट इज बेसिकली द पी के ए वैल्यू. तो हमारे पास पी के वैल्यू जो है वो उसकी अनडिसोसिएटेड वाली है. नाउ नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास है, नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट है कि वी एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम हो वीक एसिड का और कॉन्जुगेट बेस का तो द बोथ हैविंग द सेम मोलर स्ट्रेंथ आर मिक्सड द पीएच ऑफ द मिक्सचर विल बी द सेम एज द पी के ए ऑफ द एसिड. कि अगर आप कोई इक्वल वॉल्यूम के ले लो वीक एसिड और कॉन्जुगेट बेस, तो क्योंकि आप कॉन्जुगेट बेस जो है वो हमारे पास दैट इज़ द डिसोसिएटेड पार्ट, ठीक है. तो अगर हमारे पास वीक एसिड है और हमारे पास कॉन्जुगेट बेस है तो हम कॉन्जुगेट बेस जो है वो डिसोसिएटेड है और ये अभी वीक एसिड है. तो उन्होंने कहा अगर दोनों के इक्वल हम वॉल्यूम्स लेंगे तो यहाँ पे भी पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए होगा. मैंने थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन कर दिया था. पी के ए जो है वो अन डिसोसिएटेड पार्ट होता है. तो अनडिसोसिएटेड पार्ट में बेसिकली वीक एसिड जो अभी के अनडिसोसिएट नहीं हो रहा होगा वो आएगा. तो पी के ए जो होता है वो बेसिकली अनडिसोसिएटेड पार्ट होता है और कॉन्जुगेट बेस जो होती है दैट इज़ द जब एसिड डिसोसिएट हो जाता है तो वो वाला पार्ट बेसिकली होता है. उसके बाद उन्होंने एग्जाम्पल दिए जो कि बहुत ही आसान है. उसके बाद उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं. वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे है, हम एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे देखें और एग्ज़ाम्पल को सॉल्व करें तो बेसिकली एग्ज़ाम्पल है कि एन इम्पॉर्टेंट बफर सिस्टम ऑफ द ब्लड प्लाज्मा इज़ NaOH H2. ये आप जब सॉल्व करोगे बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने उस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर 7.4 आ जाएगा. यहाँ पर उन्होंने कहा है दो चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट शो किए हैं कि हमारे पास जब ये फॉर्मूला है जो कि हमने हेंडरसन हेज़लबेल्च इक्वेशन से निकाला था उसके अंदर, ये फॉर्मूला के अंदर हमने ये सही तरह से पढ़ लिया था कि बेसिकली हम लोगों ने ये स्टडी कर लिया था कि यहाँ पे उन्होंने जो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं वो उसमें से ये है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर दोज दैट हैव पी के वैल्यूज उनकी कम होंगी जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे. तो एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड की पी के वैल्यू जो है वो हमेशा कम होगी. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई एसिड है जिसकी पी एच है 3.14 और एक और पी एच सॉरी एसिड है जिसकी पी एच है 2.14 और ये इन दोनों की पी के ए वैल्यू है, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसकी पी के ए वैल्यू जो होगी वो कम होगी. तो ये आपने याद रखना है क्योंकि अल्टीमेटली पी के ए वैल्यू क्या है, पी के वैल्यू अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, सही है. अब जब पी के ए वैल्यू जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म है आपके पास जो हमने इसमें पढ़ लिया था, तो जिसकी सबसे कम अनडिसोसिएटेड फॉर्म होगी वही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड का काम क्या होता है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट करना और उसने पीछे अनडिसोसिएटेड अपने आप को नहीं छोड़ना. अगर इसकी इस एसिड की अगर अनडिसोसिएटेड वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब यह कि ये ज़्यादा अमाउंट इस एसिड की ऐसी है जो कि आयनाइज ही नहीं हुई,
लेकिन यहाँ पे बहुत कम अमाउंट है जो कि आयनाइज नहीं हुई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वो होता है जो अपने आप को कम्प्लीटली आयनाइज करे। तो ऑब्वियसली पी के वैल्यू जो है वो अन आयनाइज्ड फॉर्म होती है। अन आयनाइज्ड फॉर्म को आप उसकी पी के फॉर्म कहते हो, अनडिसोसिएटेड फॉर्म होती है वो। इसी तरह जब हम बात करते हैं पीएच की, पीएच भी जिसकी कम होगी वो जो होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। फॉर एग्जांपल ये, तो ये वाला जो होगा हमारे पास वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये दो चीज़ें आपको बहुत जहन में पक्के तरीके से आनी चाहिए कि पी के ए वैल्यू जिसकी कम होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, लाइक 2-3। तो इसकी कम है तो ये जो होगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होगा, क्योंकि पी के वैल्यू जो होती है वो होती है अनडिसोसिएशन, और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जिसकी अनडिसोसिएशन कम होगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने जो एक और पॉइंट बताया हुआ है वो ये है कि अगर हम यहाँ पे ब्लड की उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि अगर जो यहाँ पे दो उन्होंने चीज़ें बताई हुई थी HCO3 और H2CO3, कि इनमें से अगर किसी को भी ऑल्टर करेंगे तो हमारी पीएच पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने इनकी वैल्यूज जो थी बेसिकली यहाँ पे ऊपर 20/1 दी हुई थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अगर उसने कहा हम इसको कम कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इक्वेशन में जहाँ पे हमने इसको पुट करना है, यहाँ पे जब हमने पुट करना है यहाँ पे आके, अगर उन्होंने कहा कि इस वैल्यू को अगर हम 20.2 भी कर दें या फिर 20/2 भी कर दें या फिर 40/1 भी कर दें, तब भी इनकी वैल्यूज़ जो होंगी वो 7.4 ही आएगी। अगर आप कैलकुलेटर से करोगे इस चीज़ को तो देखना आपकी वैल्यू 7.4 ही आएंगी, या तो बहुत कम सा चेंज होगा, मतलब 7 ही होगी, मतलब वो न्यूट्रल ही रहती है। इसी तरह उन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है कि इनका जो होगा वो सेम ही रहेगा। और एक बात उन्होंने कहा कि अगर एसिड और सॉल्ट की जो अमाउंट होगी अगर हम उसे सेम कर दें तो हमारे पास पीएच दैट विल बी इक्वल टू पी के ए। ये इतना मेरा ख्याल ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए कि अब हम देखते हैं कि व्हेन पीएच विल बी इक्वल टू पी के ए। ये हमारे पास जैसे कि इक्वेशन है, तो अगर इसमें कहें कि हम के कब ऐसा होगा कि पीएच इज इक्वल टू पी के ए, ऐसा तब होगा जब इस वैल्यू को बेसिकली 1/1 कर देंगे। तो इस कंडीशन में पीएच विल बी इक्वल टू पी के ए। तो ये बस उन्होंने अपना पॉइंट बताना था। उसके बाद उन्होंने कहा पी के ए वैल्यूज़ का ही बताया कि पी के ए वैल्यूज़ जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनकी लोअर वैल्यूज़ होती हैं। एक बार फिर से ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती हूँ। पी के ए जो होता है वो होती है अनडिसोसिएशन। ठीक है, अनडिसोसिएशन जो होती है, आप इसको ईजी वर्ड्स में ये याद रखो कि ये अनडिसोसिएशन वैल्यू होती है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का काम होता है अपने आप को प्योरली या फिर कम्प्लीटली आयनाइज करना। एक स्ट्रॉन्ग एसिड वही होगा जो अपने आप को कम्प्लीटली आयनाइज करेगा, और यहाँ पे तो हम अनडिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा उन्होंने जो हमें बताया कि कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा पी के वैल्यूज होती हैं। जिनकी दो पी के वैल्यूज होती हैं उनको डायप्रोटिक एसिड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर हमारे पास H2CO3 की एग्ज़ाम्पल आ जाती है। अब यहाँ से आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पे दो हाइड्रोजन हैं, तो दैट्स वाई इसकी पी के ए वैल्यू इज़ इक्वल टू 2। इसके अलावा कुछ ट्राइप्रोटिक एसिड्स भी होते हैं जिनकी 3 भी होती हैं पी के ए वैल्यूज़। इसके अंदर हमारे पास एग्ज़ाम्पल आ जाती है H3PO4 की। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो इसकी पी के ए वैल्यू जो है वो 3 है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों जो हैं ये हमारे पास वीक एसिड्स हैं। ये आपने बात नोटिस की होगी, ये भी वीक एसिड है और ये भी वीक एसिड है।
वीक एसिड में क्योंकि अनडिसोसिएशन पावर ज़्यादा होती है और ये दोनों अपने आप को बहुत कम अनडिसोसिएट करते हैं, इसलिए ये जो है ये वीक एसिड है। पीके जो है वो सराउंड मीडियम से भी काफ़ी ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब जिस जो आप एक एसिड को उसका सराउंडिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो उससे भी पीके वैल्यू को काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ वो ग्राफ में आपको ये देखना था कि बफर सॉल्यूशन की एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे थी, और वो हमने पढ़ लिया था कि बफर सॉल्यूशन की एक्टिविटीज़ यहाँ मिड में, जबकि आपने आधा NaOH ऐड कर लिया था, तब आपकी जो जो डिसोसिएशन थी वो सबसे पीक पे थी, मतलब तब सबसे ज़्यादा काम हो रहा था, और उसके बाद यहाँ तक आके वो एक्शन जो हो गया वो स्टॉप हो गया और अल्टीमेटली बफर एक्शन जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया और फिर pH सडनली इंक्रीज कर गई। ये था, और इसके अलावा एज सच इसमें यही इम्पॉर्टेंट था कि स्ट्रॉन्गर एसिड की pKa वैल्यूज़ लोअर होती हैं और pH जो होती है वो जिन स्ट्रॉन्गर एसिड की वो भी लोअर होती है। अदर देन दैट देर इज़ नो सच इम्पॉर्टेंट थिंग। सर अच्छी तरह से पढ़िएगा और ये वाला जो चीज़ है इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये बहुत सिंपल है, नीचे बताई हुई चीज़ें भी बहुत सिंपल हैं। थैंक यू और अल्लाह हाफिज़।